और चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। शाइन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। शाइन बाग मामले में शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है यहां पर सुप्रीम कोर्ट, संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल शाइन बाग में धरने को लेकर याचिका को दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की केस लिस्ट के मुताबिक 7 फरवरी को यह सुनवाई हो सकती है। दरअसल सड़क खाली करवाने की मांग की जा रही है। लगातार लगभग 50 दिनों से वहां पर लगातार धरना दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। आम जनता परेशान है। कल भी वहां पर पहुंचकर उन्होंने नारे लगाए, सड़क खाली करने के नारे लगाए। और जाहिर सी बात है, जो सड़क आम जनता के इस्तेमाल के लिए है, जो सड़क यहां पर जन सुविधा के लिए, उसे अगर धरने के लिए 50 दिन से इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लोग हट ही नहीं रहे हैं। ऐसे में यहां पर आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। और अब शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए यहां पर याचिका डाली गई है, जिस पर शुक्रवार को यानी कि 7 फरवरी को सुनवाई हो सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी पुख्ता नहीं है खबर, लेकिन हां संभावनाएं यही है कि यहां पर शाहीन बाग को खाली करवाने के मामले में यहां पर सुनवाई हो सकती है। विनय सिंह हमारे सहयोगियों से जुड़ चुके हैं। विनय, लंबा समय, लगभग 50 दिन हो चुके हैं यहां पर शाहीन बाग में यहां पर प्रदर्शन करते हुए, अब आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। क्योंकि काफी लंबे समय से जो ये कालंदी कुट का जो रोड है वो बंद है, और इसी को लेकर संभवतः 7 तारीख को जो मामला है वो लिस्टेड हुआ है, और संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को ही ये सुनवाई कर सकता है। और जो याचिका करता है उसने ये भी कहा है कि क्योंकि ये जनहित में है, इसलिए 7 तारीख को इसको जल्द से जल्द सुना जाए ताकि मामला टाला ना जाए। जो याचिका में कहा गया है कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि वहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं, और अगर कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो भाषण जो लोग दे रहे हैं उससे भी नजर रखी जाए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो इसको संभावना है कि 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, और क्योंकि लिस्टेड हो चुका है, और इसलिए ये भी उम्मीद है कि कोई रास्ता, क्योंकि शाहीन बाग का जो रोड है वो कालंदी का जो रोड है वो लंबे समय से बंद है, इसलिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और संभावना है कि 7 तारीख को कोई विकल्प के तौर पे यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है। विनय, अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट ने तो पहले भी आदेश दिया था शाहीन बाग को खाली कराने का, लेकिन वहां पर प्रदर्शनकारी के हट ही नहीं रहे। देखिए ये बिल्कुल, क्योंकि लंबा समय है ये वहाँ पे जो लोग डटे हुए हैं, और पिछले चूंकि वहाँ पे अभी ऐसी दो वारदातें भी हो चुकी हैं, जो कि फायरिंग की वारदात है, जिसके बाद से वहाँ पे लगातार जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, आने जाने वाली गाड़ियों पे नजर रखी जा रही है। और चूंकि मामला लगातार वहाँ पे गंभीर होता जा रहा है, कहीं तरह की कोई बड़ी घटना ना हो या फिर इसके बाद किसी तरह का कोई और रूप ना ले लिए, जिसको मद्देनजर यहाँ पे संभावना है कि 7 तारीख को जजेरी होंगी, उसमें तमाम दलीलें या फिर वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना होगा। कल की भी अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से देखा वहां पर लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए, सड़क खाली करो के नारे लगाए, आम जनता बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है यहाँ पर। विनय, बिल्कुल जी, काफी जो खासकर जो लोग उस रास्ते से जो नोएडा की तरफ जो लोग जाते हैं आते हैं, खासकर जो फरीदाबाद का जो रास्ता है या फिर बात की जराए जो बदरपुर बॉर्डर के आसपास के जो लोग या फिर जो ओखला के लोग जो नोएडा जाते हैं वो अक्सर कालिंदी कुंज के रोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लंबे समय से बंद है तो वहां पे जो लोग गुजर रहे हैं उनको काफी जाम से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आश्रम के लोग नोएडा पहुंच रहे हैं। तो लोगों को जो 5 से 10 मिनट का सफर है, अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगता है उनको कवर करने में, ये बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई ये चाह रहा है कि शाहीन बाग में जो रास्ता बंद है वो खोला जाए, जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं वहां उन्हें हटाया जाए। इसको इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जो कि लिस्टेड हो चुकी है, और संभावना है कि 7 तारीख को सुनवाई हो। चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए। शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।